अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग बकरीद स्पेशल व्लॉग है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सोफ़ा जा रहा है बनने के लिए। एक्चुअली हम लोग जो है ना इसका कवर सिलवा रहे हैं नया, क्योंकि इतना गंदा हो गया था। तो एक हस्बैंड की फ्रेंड हैं, उनकी फैक्ट्री है, तो बहुत ही खासम खास फ्रेंड है, तो ना वो हम लोगों को हाई प्रायोरिटी पर दे देंगे सिल के जल्दी से 2 ही दिन में। तो जो है बस ये सोफ़ा चले गया और जो ऊपर लॉबी में हम लोगों के इंडियन सिटिंग रखी हुई थी ना ब्लू कलर वाली, तो इसको हम लोग नीचे ले आए हैं, क्योंकि नीचे तो कोई रूम है नहीं, तो बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सोफ़ा भी चला गया है, तो ये इंडियन सिटिंग को हम लोग ने यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया है। और ये वाली जो प्रिंटेड चेयर है ना, इसका कवर नहीं चेंज करवाएंगे, ये ऐसे ही ठीक लगेगी। तो जब सोफ़ा बन के आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस कलर का और कैसा जो है वो सोफ़ा दिख रहा है। अभी हम लोग ने बहुत जल्दी में डिसीजन लिया है ये। और यहाँ देखिए हम लोगों का बकरा जो है वो आ गया है एकदम बकरीद से ठीक एक दिन पहले। दोपहर के 12 बजे हम लोग ये बकरा लेके आए हैं। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि सुन रहे थे कि बकरे जो हैं वो मर रहे हैं गर्मी से, इस वजह से हम लोग को डर लग रही थी कहीं मर ना जाए, इसलिए हम लोग एकदम आखिर में लेके आए इसको, लास्ट डे। और हस्बैंड है ना यहाँ पीछे बैकयार्ड में जो ट्रीज़ है ना वहाँ पे इसको बांध रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इस टाइम पे थोड़ी कम धूप रहती है, तो पेड़ के नीचे काफ़ी साया भी उसको मिलेगा, तो बस यहाँ पे उसको हम लोगों ने बांध दिया है। अच्छा, ये जो है ना क्लिप कुछ दिन पहले की है। हस्बैंड जब चाइना से आ गए थे तो हम गए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। सैटरडे के दिन है ना पार्किंग फ्री नहीं रहती है, तो 1 घंटे का 20 दिरहम पार्किंग हम लोग लगा के जल्दी से शॉपिंग करने आए हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जे डॉट जुनैद जमशेद, यहाँ पे जो है ना आदमियों के और बॉयज़ के जो कुर्ते पजामे हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फ़िटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ हस्बैंड जो है वो ज़ैन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं कुर्ता पैजामा, और जैसे ही हस्बैंड निकाल के दे रहे हैं तो देखिए कैसे मुँह बना रहा है, हंस रहा है। जो इसको है ना हम लोगों की पसंद का कोई कुर्ते कोई कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं, तो हस्बैंड बोले ट्राई करो, नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा देखना। और तब तक जो है ना मैं यहाँ पे अफ़ान और आरिस के लिए कुर्ते ढूंढ रही थी कि इस बार ईद में कौन सा कुर्ता लूँ इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है एक दरवाज़े से कभी अफ़ान निकल रहा था कुर्ता ट्राई करके कि कैसा लग रहा है, और दूसरे दरवाज़े से जो है आरिस कुर्ता ट्राई करके निकल रहा था। हाँ तुमको नहीं पसंद है क्या, इसको नहीं अच्छा लग रहा है क्या ये वाला? उसको कुर्ता इतना बड़ा चाहिए। तो कुर्ता ये क्या लेना है, शर्ट ही ले लो तब। छोड़, अफ़ान कहाँ है? फंस गया पहना कुर्ता, तो छोटी साइज ले लिए थे क्या? अफ़ान शो ट्विंस देखो, है सेम ले लें क्या आरिस का? ये आ रही है अफ़ान, तुम खड़े हो देखो, और इसका भी ट्विंस बना दें क्या इन लोगों को? बट आरिस वाला मरून अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए ज़ैम कितना फ़नी बिहेव कर रहा है, जो हस्बैंड ने कुर्ता दिए हैं तो वो पहन के पीछे पलट ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको पसंद नहीं आया है। अब्बा ये कैसा लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है? हाँ। तो ले लो। तो फाइनली बॉयज़ के कपड़ों की सिलेक्शन हो गया है, और अब जो है ना जुनैद जमशेद में हम लोग नीचे आ गए हैं, यहाँ पे गर्ल्स का है सारे कपड़े। ये देखिए आरिस कपड़ों के अंदर घुसा हुआ है, और इस बार है ना फलक का दिल जो है वो ब्लैक कलर के कपड़े पे आ गया है। वो है ना घर से ही डिसाइड करके आती है कि इस बार जो है वो कौन से कलर का कपड़ा लेगी, तो हर जगह उसकी सुई ब्लैक कलर के कपड़े पे अटक जा रही थी। लेकिन मुझे ना कोई भी अच्छा ही नहीं लग रहा था काला कपड़ा, मुझे है ना ब्राइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं। वैसे यहाँ पे ये कामदानी का 3 कलर में जो कपड़े थे ना ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे। ये देखिए फिर इसकी सुई जो है वो काले कपड़े पर अटक गई, यहाँ पे एक और जो है वो ब्लैक कलर का कपड़ा उसने निकाली, लेकिन है ना ये इसका मटेरियल कुछ खास नहीं था। और फाइनली यहाँ कुछ अलग कलर का कपड़ा निकालिए। कौन सा वर्क है? प्रिंट है, प्रिंट। बट फलक कहीं ये इसका निकलने लगा तो चमक चमक चमक, जो बाटिक प्रिंट है इसकी। और ट्राउजर वाउजर नहीं है उसके साथ? तो जे डॉट में हमें कुछ भी समझ नहीं आया फलक के लिए, तो फिर हम डेरा सिटी सेंटर आ गए थे बीबा शॉप में। बीबा जो है ना वो इंडियन ब्रांड है,
बीबा के कपड़े अच्छे तो बहुत होते हैं पर है ना महंगे भी उतने ही होते हैं, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है इनकी। और अभी है ना ईद का टाइम चल रहा था तो इन्होंने एकदम नए नए कलेक्शन लेके आए थे, और गर्मियाँ इतनी हैं तो ये देखिए ये इनका समर कलेक्शन है। इतना अच्छा सा ब्राइट कलर है, येलो, येलो तो मेरा फेवरेट है ही, लेकिन है ना यहाँ पे एक ग्रीन कलर का देखिए कपड़ा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब क्वालिटी भी इतनी अच्छी और कितना आरामदेह गर्मी के लिए। और फलक तो ऐसे कपड़े ढूंढते ही है कि जिसमें कुछ चुभे ना उसको, कॉटन का रहे, लेकिन मैं बोल रही थी कि ईद का टाइम है तो थोड़ा सा हैवी देखो, तो ये एक उसने निकाली, रेड कलर का जैकेट और वाइट कलर का जो है ना वो गाउन टाइप था, नीचे चूड़ीदार है, लेकिन मुझे है ना सबसे अच्छा ये वाला लग रहा था, ये येलो कलर का इतना ब्यूटीफुल सा था। तो फलक ने ट्राई भी करके देखी लेकिन ये इतना महंगा था, 500 दिरहम का था, फिर एक बार पहन के जो है वेस्ट हो जाता है, लेकिन ना इतना अच्छा सा इस पर वर्क था, ये बिल्कुल लेटेस्ट ईद कलेक्शन था। और इस टाइप का भी इनके पास कपड़ा था, मतलब जैसे एक लॉन्ग कुर्ता और नीचे जो है ना वो गरारा टाइप का। तो एक कपड़ा फलक ने सिलेक्ट कर ली है, ईद के दिन जब वो पहनेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पे आ गए थे द भुक्कड़ कैफ़े। इस कैफ़े की है ना ख़ास बात यह है कि ये आपको इंडिया से और उसके स्ट्रीट फूड से कनेक्ट करता है, और यहाँ की एक एक प्रेजेंटेशन जो है ना वो इतनी अच्छी है, देख के एकदम ना मुंबई की याद आ जाती है। ये देखिए ये कुशन है जिसपे लिखा हुआ है निकम्मी, और यहाँ पर एक कुशन है जिसपे लिखा हुआ है खामोश, और एक और कुशन ये देखिए इस पर लिखा है सांस मत लो लोग क्या कहेंगे। और इनका जो मेन्यू है ना वो भी एकदम अलग सा है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ऑटो रिक्शा जो एकदम मुंबई की याद दिलाता है, और इसके बाद जो है ना ये देखिए यहाँ पे है मुंबई की टैक्सी ब्लैक कलर की, और यहाँ पे है ना पार्ले जी बिस्किट जो है वो देते हैं चाय के साथ। सो बहुत ही यूनिक सा जो है इनका मेन्यू था। और कोई भी जो है आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो एकदम अच्छा सा स्पून होल्डर आपको देखने मिलेगा फैंसी सा, लेकिन यहाँ पे देखिए केटल में रखा हुआ है स्पून। हरी क्या है, इमली की चटनी, फिंगर लिकिंग, लाल स्पाइसी, रसीली, हरी, खट्टी, मीठी, मैसूरी चटनी मसालेदार की चटनी, कुछ भी। इनकी प्लेट भी ना एकदम यूनिक सी थी जिसपे लिखा हुआ है द भुक्कड़ कैफ़े वड़ा पाव दिस वे, और दूसरी प्लेट पे लिखा हुआ है इंडियन स्ट्रीट फूड। और है ना फलक ने ऑर्डर करी थी पानी पूड़ी, तो ये देखिए पानी पूड़ी इन लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया है, इनका प्रेजेंटेशन देखिए, जैसे ठेले पे मिलती है ना पानी पूड़ी उसी तरह देखिए इन लोग ठेले पे लेके आए हैं, और एकदम अच्छा लग रहा था ना देखने में भी, और टेस्ट में भी ना पानी पूड़ी बहुत ही अच्छी थी। फलक जो है वो ऊपर नीचे से घुमा घुमा के देख रही है कि ये ऐसे क्यों आई है, क्योंकि ना उसको अजीब लग रहा था। और जिस ग्लास में इन लोग खट्टा और मीठा पानी दिए हैं उस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिखा है। अब मैं क्या ही पढ़ के बताऊँ आपको, आप खुद ही पढ़ लीजिए। और हस्बैंड ने ना चाय ऑर्डर करे, तो ये देखिए कड़क चाय जो है किस तरह से सर्व कर रहे हैं उन लोग, ये लंबी सी धार बना के केटल में से, और ये मिट्टी के बर्तन में, बहुत ही अच्छा लग रहा था कुल्लड़ में। और आरिज ने समोसा ऑर्डर किया था, तो ये देखिए ये समोसा जो है ना वो ईंट के शेप में जो है इस तरह से उन लोगों ने प्रेजेंट किया, ये ईंटा है जो TBC का आता है, तो ये देखिए ये ऐसा है। और मैंने है ना सैंडविच ऑर्डर करी थी, जो मुंबई की स्पेशल चीज़ ग्रिल सैंडविच होती है ना वही, इतनी ज़बरदस्त थी। और पीछे देखिए किस किस को याद है ये फ्राइम्स, जो बचपन में 5 रुपए का एक पैकेट मिलता था, हमेशा मैं लेती थी, अभी तक मुझे याद है, और उंगली में डाल के जो है हम लोग उसको नाखून बना बना के खेलते थे। तो यहाँ पे देखिए मैं फलक को वही बता रही थी कि हम लोग ऐसे खेलते थे उंगली में डाल डाल के, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आई। जो लोग दुबई में रहते हैं ना वो ज़रूर से एक बार इस भुक्कड़ कैफ़े में जो है वो जाएं, ट्राई करें, यहाँ का बहुत अच्छा था। समोसा इतना ख़ास नहीं था, बाकी सब चीज़ें जो है ना ज़बरदस्त थी। तो चलिए आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, ईद प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने उड़द की दाल भिगा दी हूँ दही वड़े के लिए, और अब जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ गोला कबाब की। तो गोला कबाब के लिए जो है ना दही हम लोगों को डाल के रखना है छन्नी में, ताकि इसका पानी पूरा अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे कीमा भी मैंने वॉश करके रखी हूँ पानी ड्रेन होने के लिए।
कोई भी प्रिपरेशन करनी हो, चाहे ईद की चाहे जो है कोई दावत वगैरह की, सबसे पहले अगर मीठा बना के रख दो तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे है ना, ईद के एक दिन पहले मैं बना रही हूँ केवामी सेवई, और केवामी सेवई की रेसिपी अभी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी रमज़ान के बाद जो ईद आई थी उसमें, इसलिए इसकी रेसिपी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सेवई का, तो अगर जिसको देखना है तो वो उस वीडियो में चेक कर सकता है। तो एक गैस पे मैंने शीरा चढ़ा दी हूँ और दूसरे गैस पे जो है ना मैं सेवई भून लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं गैस बंद कर दूँगी। दोनों चीज़ें जो हैं वो जब ठंडी हो जाएंगी तब उसके बाद आगे का काम करेंगे। और यहाँ देखिए बच्चे जो हैं वो बकरे के पीछे लगे हैं। आरिज, इसका नाम क्या रखे हो? गोलू। गोलू गोलू नारुतो आइज He is coming in. पुश करो ना उसको, पीछे करो। पापाया खा रहा है, पापाया। पापाया की पत्ती, पापाया की पत्ती गई अब्बा की। सिंह अटक गई है उसकी वहीं पे, नहीं जा पा रहा है। How did he get in the first place? रेसलिंग कर रहे हो क्या उसे? निकला। Don't do that again. तो यहाँ पे है ना सेवई अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी और शीरा भी है ना नीम गर्म था, तो मैंने इसको डाल दी हूँ सेवई में, और जो ड्राई फ्रूट मैंने पीसी थी चॉपर में वो भी मैंने डाल दी हूँ। एक बार इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना अमूल का खोया 200 ग्राम का दो दो पैकेट जो है वो मैं पूरा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं दूध वगैरह तो डालती नहीं हूँ। तो बस उसके बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10-15 मिनट में जो है मेरी सेवई बनके रेडी हो जाएगी। तो जब सेवई बन जाती है ना ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम हो गया है बड़े बूढ़ों वाला। तो चलिए जब तक जो है ना सेवई वहाँ पे तैयार हो रही है तब तक हम लोग गोला कबाब की तैयारी कर लेते हैं, और ये बहुत ही ईजी है। 1 किलो कीमा ली हूँ मैंने, पानी एकदम अच्छी तरह से निकला हुआ, और उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची एकदम फ्रेश पीस के मिक्सर में मैंने डाल दी हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन, और उसके बाद है ना इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई रेड चिली भी ऐड करने वाली हूँ, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और मीट टेंडराइज़र है ना वो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो कच्चा पपीता भी पीस के डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड की हूँ और 1 टीस्पून घी डाली हूँ, और उसके बाद 1 बड़े साइज़ का लेमन जो है वो मैं स्क्वीज़ करके इसमें डाल दी हूँ। अब जो दही हम लोगों ने रखे थे पानी निखरने के लिए वो मैं डाली हूँ इसमें 2 टेबलस्पून भर के। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को है ना मैं चॉपर में डाल के चॉप करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके साथ है ना मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा धनिया की पत्ती और पुदीना 1-1 मुट्ठी भर के, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज तल के वो मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब बस एक बार है ना इसको मैं फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से घुमा दूँगी ताकि सारा मसाला जो है वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। सेम उसी बोल में मैंने डाल दी हूँ चॉप होने के बाद, क्योंकि अब इसमें जो है ना मैं कोयले का धुआं देने वाली हूँ, और ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप देंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी एकदम सोंधी सोंधी। तो इसको छोड़ देते हैं 20 मिनट के लिए। जब तक वहाँ पे कबाबों में स्मोकी फ्लेवर आएगा तब तक यहाँ पर है ना मैंने दूध रख दी हूँ बलाई बनाने के लिए। अब सेवई हैं तो बलाई बनाना तो लाजिम है, और इसकी रेसिपी जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी रमज़ान के बाद जो ईद ब्लॉग था उसमें, इसलिए डिटेल में मैं नहीं शेयर कर रही हूँ इसकी रेसिपी। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा अफान बताओ कौन हैं लोग? हाँ फैमिली फ्रेंड्स। तुम्हारा नाम क्या है? आसम। तुम्हारा? ओके। तुम लोग यारिज है? ओ तुम लोग रोज़ा हो? ओके। क्या खाए थे सहरी में? दही और अंडा और पानी पिया था, अंडा खाया था और चाय भी खाया।
दही पानी अंडा चाय ब्रेड अंडे का सैंडविच ओके तब किसको किसको भूख तो लगी है मुझे नहीं मुझे बस प्यास लगती है प्यास लग रही तुम रोजा हो तुम पी लो जाओ ये दोनों मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं आए हैं घर पे बकरे के साथ खेलने के लिए इधर गोला कबाब को जो है ना अच्छे से कोयले का धुआं लग गया था तो मैंने सोची कि अब इसको जल्दी से बना के रख देते हैं बहुत ही इजी है इसको बनाना एक छोटा सा पोर्शन लेके जो है ना मैं इस तरह से डाल रही हूँ ये मेरे पास रॉड रखा हुआ था तो उसी में मैं डाल के इसको बना रही हूँ और 10-15 मैंने बना के हस्बैंड को दिखा दी तो अब जो है ना हस्बैंड बोल रहे हैं आगे का मैं ही बना लेता हूँ तब तक तुम कोई दूसरा काम कर लो तो जो उड़द की दाल मैंने भिगा के रखी थी दही वड़े के लिए उसको मैंने छान के धुल के पीस दी हूँ और अब यहाँ पे मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ एक्चुअली दही वड़ा जो है ना मेरे घर में सिर्फ हस्बैंड को पसंद है और कोई भी नहीं इतना पसंद करता है लेकिन मैं सोच रही थी कि मेहमान आएंगे तो रखने के लिए अच्छा रहेगा और दही वड़ा है तो दही तो गर्मी में फ़ायदा ही करती है तो इसलिए जो है थोड़ा सा ही मैं बनाऊंगी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बनाऊंगी तो अभी फ्राई करके रख दूंगी तो जब मेहमान आएंगे तो बस उसको दही में डालना होगा और तेल गर्म था तो जल्दी से है ना मैंने बहुत सारी प्याज का बारिस्ता बना ली हूँ जब कुर्बानी का गोश्त आएगा तब उस टाइम पे प्याज रेडी रहेगी तो फिर जल्दी से जो है ना गोश्त वगैरह सब बन जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अदरक लहसुन भी पिसा हुआ रखा है सब कुछ रेडी है तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना जैसे ही हस्बैंड गोश्त लेके आएंगे तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी और यहाँ पे देखिए सारे गोला कबाब जो है वो बन गए थे तो मैंने एक शीट लगा ली हूँ उसको ताकि चिपके नहीं प्लास्टिक की और बस अब जो है इसको हम लोग रख देंगे मैं फ्रीज़ नहीं करने वाली हूँ ऊपर ही रखूँगी क्योंकि अभी कल ही तो ईद है ये एक दिन पहले ही सब मैंने बनाई हूँ और यहाँ पे है ना बलाई भी अच्छी तरह से सेट हो गई थी तो उसको भी मैंने कांच के बोल में निकाल के कवर करके रख दूँगी और हस्बैंड जो है ना वो बकरा ही लेके परेशान हैं अब जो है उसको आगे की तरफ लेके आ गए हैं क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी तो यहाँ पे ना अब थोड़ा साया रहता है तो उसका पानी वगैरह भी हम इसी तरफ रख देंगे और पानी भी जो है ना बार बार चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि पानी भी नल में एकदम गर्म आ रहा है तो हर थोड़ी देर से हम लोग पानी चेंज करके ठंडा पानी उसको दे रहे हैं लिसन अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और चिल्लाना मत एकदम भी खामोश ओके बाय बोले ना चिल्लाओ मत चिल्ला रही थी सही में वापस फेंक देगा अभी उसके ऊपर ज़रा सा हम लोग अंदर चले गए थे आराम करने के लिए तो ये बकरा है ना नल खोल दिया पाइप में से एकदम फुल स्पीड में पानी बह रहा था और ऊपर चढ़ चढ़ के कूद रहा था तो हस्बैंड बोले अब इसको थोड़ी देर जो है ना वो घुमा लाओ तब ये थोड़ा फ्रेश हो जाएगा तो बच्चे भी जो है ना वो बकरे के पीछे एकदम पागल हुए रहते हैं इसीलिए हस्बैंड स्पेशली लेके आते हैं इन लोगों के लिए यहाँ पे देखिए अहमद रोज़ा है ना तो चल चल के थक गया तो वो जाके आरिज़ की कार लेके आया है और अब गया है आरिज़ उसके पीछे डबल सीट बैठेगा अब ये दोनों गाड़ी पे जो है घूमेंगे और यहाँ देखिए 2-3 राउंड मार के अब इन लोग आ गए हैं गर्मी से परेशान हैं सब अब जा रहे हैं घर की तरफ नहीं सुन रहा है वो। बहुत ज़्यादा गर्मी है बैक टू पवेलियन बांधो उसको बच्चे अंदर एसी चला के बैठे हैं अंदर से खेल रहे हैं कांच में से बकरे के साथ आज है ना हस्बैंड कह रहे थे कि अफ्तार में कुछ बनाना मत मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा बाहर से क्योंकि सुबह ही से हम लोग किचन में लगे हुए हैं ईद की प्रिपरेशन में तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया है और फलक जो है वो घर में ऑरेंज जूस निकाल देगी तो हमारी अफ्तार हो जाएगी और यहाँ देखिए आरिज अभी भी बकरे के साथ खेल रहा है अंदर से उसका दिल ही नहीं भर रहा है कभी खड़े होके कभी बैठ के
इधर अफ्तार का भी टाइम हो गया था और है ना एकदम हलक सूखा जा रहा था गर्मी से। ऐसे घर में बैठे बैठे जो है ना इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, लेकिन बकरे को टहलाने के लिए सब लोग बाहर गए तो एकदम सब लोग बेहाल हो गए हैं प्यास से। तो बस थोड़ा सा मैंने आइस क्यूब डाल दी हूँ ऑरेंज जूस में और बस हम लोग अब रोज़ा खोलने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखिए लेमो पिज़्ज़ा जो है वो आ गया है। ये काफ़ी बड़ा होता है तो मुझे लगता है कि डिनर में भी जो है यही चल जाएगा। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ईद व्लॉग होगा और बहुत ही जल्दी जल्दी से रात भर जग के मैंने इस व्लॉग को एडिट करी हूँ और रात में डाली हूँ। जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा उस दिन जो है दुबई में ईद होगी। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।